एक घूमे वाला बॉटल अपने के न्यूटन वाला न्यूटन का तीसरा विधि या नियम बताई। एक रेली अपने का पानी का बोतल, दो को स्ट्रॉ पाइप, एमसील और धागा लगी। अब बोतल लेके ओके नीचे के हिस्सा में दो को आमने सामने खड्डा बना लिया और ये दोनों खड्डा में दो को छोट स्ट्रॉ का हिस्सा डाल लें। आप लोग देख सके नीचे कैसे स्ट्रॉ डालने के बाद ओके एमसील से साइड से कवर कर दें ताकि वहां से कोनो पानी लीक ना हो सके। आप लोग देख सके नीचे कि दोनों स्ट्रॉ पाइप 45 डिग्री के कोण में कटल भैल हुआ और एकदम ऑपोजिट दिशा में लगल भैल हुए बॉटल में आमने सामने। ध्यान दें कि स्ट्रॉ का मुंह 45 डिग्री के कोण में काटें और एक तरह लगाएं। अब एमसील सूखने के बाद बोतल के ऊपर के हिस्सा में धागा बांध लें। ऐसन भइले के बाद बोतल का नीचे का दोनों का पाइप दोनों पाइप हाथ से ढक लें और ऊपर से पानी भरल चालू कर दें। पानी से भरले के बाद ऊपर लगाई भइल धागा से ओके टांग लें और नीचे से हाथ हटा लें। ऐसन कइले के बाद आप लोग आश्चर्यचकित हो जाई पाई देख के कि पानी का बोतल तो गोल गोल घूमत हवे। बॉटल घूमत हवे और नीचे से पानी निकलत जात हवे। पहले बॉटल बहुत तेज घूमेला लेकिन जितने जितने पानी का लेवल कम हो जाए बॉटल धीरे धीरे धीमा हो जाए और अंत में पानी एकदम घटले के बाद बॉटल रुक जाए। पानी पूरा निकलने के बाद बॉटल एकदम रुक जाएला। ध्यान दिया आप लोग फिर से बॉटल के ऊपर से भर सके नहीं जा पानी से और एक बार ऊपर से देख सके नहीं जा। आप लोग देख सके नहीं जा कि पानी कितने गोलाकार के जैसा निकला था इनमें से और बॉटल के गोल गोल घुमा हुआ था। ये अपने के न्यूटन का तीसरा विधि या नियम भी बताला जिनमें हर एगो एक्शन का एगो उल्टा रिएक्शन भी होला। एमे पानी नीचे से बाहर जाता है इसलिए बॉटल उल्टा दिशा में घूमत हवे। रॉकेट भी यही तरह काम करेला। न्यूटन का ये तीसरा विधि या नियम हम लोग ए एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सके नहीं जा। ये बहुत ही सस्ता एक्सपेरिमेंट हवे। नजदीक से भी आप लोग एक देख सके नहीं जा कि कैसन दिखेला। पानी निकलत भइल भी देख सकत हैं जाए में हम लोग। हवे ना बहुत ही आसान प्रयोग। आप लोग घर पे भी एक कर सके नहीं जा और एक मजा लूट सके नहीं जा।